रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के समाचारों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं नादौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ईवीएम पर शंका जाहिर की है। सुक्खू ने कहा कि 2012 के चुनावों के बाद से ईवीएम पर शंका की लकीरें आती रही हैं और चुनाव आयोग को चाहिए कि इन शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के पद से इस्तीफा दिए जाने पर प्रतिक्रिया आने लगी हुई है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी को इसे झटका माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनिल शर्मा के पद से इस्तीफा देने और अपने बेटे के लिए प्रचार करने को कांग्रेस के लिए फायदेमंद करार दिया है। सुक्खू ने कहा कि काफी समय से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में अनबन चली हुई थी और गहरी पीड़ा के चलते बीजेपी मंत्रिमंडल पद से अनिल शर्मा ने इस्तीफा दिया है, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री महोदय का बार बार अपने कैबिनेट मिनिस्टर अनिल शर्मा पर आक्षेप लगाना, उन्हें पीड़ा लगी और इस पीड़ा के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मंत्री और मुख्यमंत्री में अनबन थी और मुख्यमंत्री बार बार उनको टॉन्ट, जिसको शब्द कहते हैं, उस शब्द के तहत ये बात कर रहे थे और आज उन्होंने दुखी मन से इस्तीफा दे दिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि उनके पुत्र कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में मंडी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संबंधित तैयारियों के मद्देनजर आयोजित बैठक के बाद सुक्खू ने भाजपा पर भी तीखे हमले किए। साथ ही सुक्खू ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि रेल लाइन कब हमीरपुर पहुंचेगी, इसका जवाब जनता की अदालत में उन्हें देना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण में कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी के जो समाचार आए हैं, इससे ईवीएम पर शंका बढ़ती है। सुक्खू ने कहा कि 2012 के चुनावों के बाद ईवीएम पर शंका की लकीरें देखने को मिली थी और अब चुनाव आयोग को चाहिए कि इन शंकाओं को दूर करें। ईवीएम पर शंका तो है ही है और संदेह भी है। ये शंका और संदेह चुनाव आयोग को दूर करना है। कहीं ना कहीं ऐसी आशाएं रहती है। 2012 में भी ईवीएम पर शंका और संदेह किया गया था। अब बड़े स्केल पर जो शंका संदेह किया जा रहा है, ये इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की जरूरत है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वो चुनाव आयोग की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी, ईवीएम में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर कोई और माध्यम हमें चुनाव आयोग से अनुरोध करना पड़ेगा कि किसी और माध्यम के द्वारा भी चुनाव के बारे में सोचे। सुक्खू ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है, लेकिन अनुराग ये बताएं कि हमीरपुर तक रेल लाइन का क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ऊना, हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर से पालमपुर तक सर्वे करवाया था, लेकिन बाद में इस रेल लाइन का क्या बना, इसका जवाब अनुराग ठाकुर जनता के सामने दे। उन्होंने अनुराग को नसीहत दी कि पहले जनता के बीच अपने करवाए कामों का ब्यौरा दे, तब बयानबाजी करे। देखिए, वो तो आरोप लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हमला है। हाँ, हर चीज़ को वो अपना ही कहते हैं और दूसरों पर आरोप जड़ते रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर जी, जो आपने रेलवे की बात कही थी, पवन बंसल के समय भी हमने रेलवे में बजट में अम्ब से नदौन, सुजानपुर, पालमपुर और धर्मशाला होकर रेलवे लाइन का सर्वे किया, हमने बजट डलवाया था। उन्होंने आके कहा कि नहीं, मैं ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन लाऊंगा। कब वो रेलवे लाइन पहुंचेगी? 11-3 बार वो संसद बन चुके हैं और निश्चित तौर पर आज उनको जवाब देना है जनता की अदालत में कि आपने संसद में जनता से संबंधित, हिमाचल प्रदेश से संबंधित, हमीरपुर से संबंधित कितने मुद्दे उठाए हैं, कितने प्रश्न उठाए। इन सब बातों का जवाब अनुराग ठाकुर को आने वाले लोकसभा चुनावों में देना पड़ेगा। वहीं रफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर सुक्खू ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है और इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और इसका दोबारा से जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। देखिए, तथ्यों को छुपाया जा रहा था,
सच्चाई से दूर भागा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा सीरियस गंभीर मामला मानते हुए कहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात है और इसको दोबारा से देखा जाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने आदेश दिया है और जल्दी ही इसके आदेश की घोषणा भी कर दी जाएगी कि किस स्थिति को ये दोबारा लगेगा। सुक्खू ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को सबसे सर्वमान्य बताया और कहा कि रामलाल ठाकुर बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे और हमीरपुर सीट पर कब्जा करेंगे। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, उस लोकसभा क्षेत्र में सभी की एक राय बनी और रामलाल ठाकुर जी को प्रत्याशी बनाया गया। जितने भी हमारे 17 विधानसभा क्षेत्र है उनमें जिन व्यक्तियों ने चुनाव लड़े या जो विधायक है या जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सबकी एक राय के साथ रामलाल ठाकुर जी को प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा ये मानना है कि इस बार की जो चुनौती है वो कड़ी होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी। सुक्खू ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर कहा कि अगर सुरेश चंदेल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा पार्टी को अवश्य होगा। चंदेल जी अगर कांग्रेस में आते हैं उनका स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा।